Hello students, good morning to all. So we are discussing the previous year questions. So in this video, I'll discuss the CAT 2021 slot 3 question number 13 to 15. इससे पहले वीडियो में मैंने स्लॉट 2 के सारे क्वेश्चंस आई ऑलरेडी डिस्कस एंड स्लॉट 3 में भी मैंने क्वेश्चन 12 तक डिस्कस किए हुए हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर लीजिए. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन होता है ना, उसको भी प्रेस कर देना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अनाउंसमेंट फॉर यू फ्रॉम द अनअकैडमी साइड. अनअकैडमी के बच्चे टिल 30 जून तक एक ऑफर है आप लोगों के लिए. इफ यू बाई any subscription from the Unacademy, you will get the 20% off on all Unacademy subscription. Like if you are preparing for any entrance exam, any competitive exam, you will get the 20% off till 31st Jan. राइट, तो ये जो ऑफर है वो सिर्फ 31 जून तक ही है और इसका जो लिंक है आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको सारी डिटेल्स भी वहां पे मिल जाएंगी. Right, still you have any doubts, you can comment in the comment box. And if you buy any subscription by using my referral code, that is Rakhi10, you will get the extra 10% off. Okay, so this is the opportunity till 31st Jan. Agar aapko koi bhi subscription lena hai to 20% plus 10%. Okay, so let's start the question number 13. So ye question number 13 aapka slot 3 se hai. ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन देखा 3x plus 2 mod of y plus y equal to 7 and x plus this and then you need to find out the value of x plus 2y. अब sometimes students को ऐसा लगता है कि mod है तो mod में आपको obviously बात है you have to take the different cases कि like जो ये mod वाली value है ये plus भी हो सकती है minus भी हो सकती है. तो so you need to check by using the plus and minus concept. तो इसमें sometimes if ऑनेस्टली अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, समटाइम्स इट विल टेक टाइम इन द एग्जाम. तो बिफोर दैट क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन, बट यहाँ पे आपको केसेस फॉर्म करने पड़ेंगे बिकॉज यू हैव टू इक्वेशंस, मॉड है आपके पास में. तो इससे पहले कुछ छोटे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास एग्जाम में जिनको हम फटाफट कर लेते हैं विदाउट मेकिंग एनी केसेस, तो उसको आपको सॉल्व करना चाहिए. बट इफ यू आर कंफर्टेबल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन डेफिनेटली दिस इज क्वेश्चन फॉर इजी टू मॉडरेट. राइट, चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए. आई एम गिविंग द रिव्यू ऑल्सो, ठीक है, साथ साथ में. तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 3x plus 2 mod of y. तो यहाँ पे आपके केसेस बनेंगे. लाइक अगर मैं फर्स्ट केस लेती हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एंड y भी आपके पास ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x plus 2y plus y. दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन विल बी 3x plus 3y is equals to 7 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 2x plus 3y equal to 1. If you solve these two equation, तो 3x minus 2x is x और ये हो जाएगा 7 minus 1 is 6. X की वैल्यू 6 आई. अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालते हो, I put in the second equation, 2 into 6 is 12, 1 minus 12 is आ जाएगा आपके पास में minus 11. तो minus 11 अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो y की वैल्यू नेगेटिव है, जो हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. Because मैंने यहाँ पे आई टुक y is greater than 0, so this is not possible, ये केस पॉसिबल नहीं होगा. Now I choose the second case, if x is greater than 0 and y is less than 0. So if x is greater than 0, y less than 0, that means negative, right? तो अगर y negative है, तो minus 2y plus y. तो first equation will be 3x minus y equal to 7. Second equation, x plus x is 2x और ये हो जाएगा plus का 3y is equals to 1. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो यहाँ पे, तो आपको एक कोफिशिएंट मेंटेन करना पड़ेगा. जस्ट सपोज आई मल्टीप्लाइड बाय द 3, तो 3 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ पे. एड दीज टू इक्वेशन, 3 3 9 और 2 11x और 7 3 21 और 1 is 22, तो x की वैल्यू 2 आ गई. अब आप x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2 2 4 और ये हो जाएगा 1 minus 4 3y equal to minus 3. So y की वैल्यू minus 1. Yes, this is satisfied. अगर आपका x greater than 0, yes, x की वैल्यू 2y. Y is less than 0, yes, minus 1. तो this case is satisfied the equation.
तो हम बाकी के केस में चेक भी नहीं करने वाली, राइट? तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -1 आ गई, बस नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है -1, तो 2 - 2 इज 0, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो यू नीड नॉट टू चेक द ऑल 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 द कंडीशंस, अगर जिस भी कंडीशंस पे आपका सेटिस्फाई हो जाएगा वहीं से आप आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगेन आपका रूल सेम है, यू हैव टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड देन चेक माय मेथड, राइट, कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया और किससे नहीं, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 14, आई जस्ट सॉ, मतलब एक एक जस्ट देखा क्वेश्चन को, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द परसेंटेज टॉपिक। चलो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वन 30% ऑफ देम। ओके, इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। Suppose they win 90% of the remaining matches, then the total number of matches. Okay, it's a very simple sorted question of the percentage, right? Kaise? A team has played 40 matches so far. That means if the total number of matches are n, so they played 40 matches and remaining matches are n minus 40. And after these, मतलब इनमें से जो है 30% वो जीते हैं, तो 30% one of them 40 का 30% विल बी 12, राइट? अब कंडीशन आपको दिया हुआ है, इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, 60% मतलब 3/5, तो अगर वो रिमेनिंग का 3/5 मैचेस जीत जाते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज विल बी 50%। तो विन मैचेस ये थे 12 और विन मैचेस आपके पास ये हैं 3/5 ऑफ एन माइनस, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो इट विल बी 24 एंड दिस इज इक्वल टू टोटल मैचेस का 50%। टोटल मैचेस का 50% दैट मींस एन बाई टू। स्मार्टली सॉल्व करो, दिस इज 60%, दिस इज 50%, बचेगा कितना 10%। 10% मींस एन बाई 10 इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 120। तो आई फाउंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर 120। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो रिमेनिंग मैचेस कितने बच्चे, 120 माइनस 40 दैट इज 80। अब 80 में से इफ दे विन 90%, तो 90% विल बी 72, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाई देम, तो 12 पहले जीत चुके थे, अगर 90% इसमें से लेते हैं तो आंसर हो जाएगा आपके पास 84, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, परसेंटेज का सिंपल कंसेप्ट, आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आपको करने चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैंने जस्ट रीड किया फटाफट, देखो यहाँ पे रीडिंग एबिलिटी यहाँ भी आपकी काम आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है तो आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करो। ठीक है, इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर इंग्लिश सेक्शन या वर्बल सेक्शन, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द मैथमेटिक्स सेक्शन, DILR सेक्शन, राइट? तो क्वेश्चन है, अ शॉप ऑनर बॉट अ टोटल ऑफ 64 शर्ट फ्रॉम अ होलसेल मार्केट। ठीक है, तो उसने टोटल 64 शर्ट लिए, केम इन टू साइजेस स्मॉल एंड लार्ज। तो आपके पास यहाँ पे स्मॉल है और लार्ज है, स्मॉल प्लस लार्ज मिला के टोटल शर्ट आर 64। द प्राइस ऑफ द स्मॉल शर्ट वॉज 50 लेस देन दैट ऑफ द लार्ज शर्ट, मतलब अगर स्मॉल शर्ट का एक्स है तो लार्ज शर्ट का प्राइस जो होगा वो एक्स प्लस 50 होगा। शी पेड अ टोटल ऑफ द 5,000 फॉर द लार्ज शर्ट, मतलब अगर लार्ज वाला कॉम्बिनेशन मिलाए तो 5,000 शी पेड, एंड अगर स्मॉल वाला कॉम्बिनेशन तो शी पेड 1,800 रुपीज फॉर द स्मॉल शर्ट। देन द प्राइस ऑफ द लार्ज शर्ट एंड द स्मॉल शर्ट टूगेदर। ओके बच्चे, एक मेथड तो है कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, बाय मेकिंग द लीनियर इक्वेशंस एंड देन पुट द वैल्यूज एंड देन मैं उसको फाइंड आउट करूं, बट इन एग्जाम होल आई डोंट हैव टाइम कि मैं ऐसे प्रॉपर इक्वेशंस बनाऊं और बहुत प्यार से इज्जत से सॉल्व करूं, नो आई डोंट हैव सो मच टाइम। सो आई थॉट कि चलो ऑप्शन से करते हैं ना, चार ही ऑप्शन है ना, चलो फटा, और ऑप्शंस हमेशा स्मार्टली चूज करनी चाहिए। अब जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया दैट इज 150,
अगर आपके पास प्राइस ऑफ लार्ज शर्ट एंड स्मॉल शर्ट मतलब दोनों का मिला के अगर प्राइस 150 है और एक के पास 50 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? अगर एक के पास 50 ज्यादा है, बचा 100, तो एक के पास वैल्यू होगी 100 और एक के पास होगी 50। आप सिंपल भी सोच सकते हो। देखो मैं हमेशा कैसे ब्रेक करती हूँ, टोटल 150, एक के पास 50 ज्यादा, समझना बात को, टोटल 150, एक के पास 50 ज्यादा, तो पहले उसे 50 जो ज्यादा है वो दे दो ना। नाउ रिमेनिंग इज 100, 100 में दोनों को आधा आधा मिल जाए। दैट मीन्स इसका प्राइस अगर 100 है तो इसका प्राइस 50 है, ये लार्ज और ये स्मॉल। चलो अब देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके पास में। थोड़ी सी इक्वेशन आपको यहाँ पे फॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ, जस्ट ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ मैं, जस्ट वन सेकेंड। तो मुझे यहाँ पे प्राइस तो मिल गया है, अगर मैं स्मॉल है आपके पास में इंटू एक्स है तो ये वैल्यू 1800 है। लार्ज को मैं क्या लिख सकती हूँ? लार्ज को मैं लिख सकती हूँ 64 माइनस एस, और ये प्राइस है आपके पास एक्स प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 5000। तो ये हो जाएगा 64x, और ये s था ठीक है, माइनस एस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 64 इंटू 50 करोगे तो प्लस का 3200 आएगा और माइनस का 50s इज इक्वल टू 5000, राइट। अब देखो आप यहाँ पे ये एस एक्स की वैल्यू कितनी है, एस इंटू एक्स आपके पास 1800 है, तो 64x माइनस 50s इज इक्वल टू 5000 माइनस 3200, और ये माइनस का 1800 इधर आके प्लस का 1800, राइट। तो अगर आप 5000 माइनस 3200 करते हो तो ये आपके पास 1800 और ये 1800, तो 3600 आ जाएगा। तो 64x, आपको ऑप्शन शुरू में थोड़ा लंबा पड़ेगा, बाकी ऑप्शन आप फटाफट चेक कर सकते हो। तो 64x, x की वैल्यू मैंने कितना लिया है, x की वैल्यू है मेरे पास में 50, तो अगर आप ये 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 3200। ये 3600 है, माइनस करोगे तो 50, लेकिन ये तो निगेटिव में आ रहा है ना, राइट। ये तो निगेटिव में आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, एस की वैल्यू आपके पास निगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब मैंने सोचा कि 150 आने पे वैल्यू नेगेटिव है, मतलब वैल्यू थोड़ी बड़ी साइड में जाएगी, तो मैं दूसरा ऑप्शन 175 नहीं चेक करूंगी, इधर आई विल चेक 225 और आई विल चेक 200। तो मान लो अगर मैं 200 चेक करती हूँ तो 200 पे क्या होगा, एक का प्राइस 50 ज्यादा, तो 50 उसे पहले दे दो, बचा आपके पास में कितना 150, 150 में से कितना हो जाएगा इसके पास 75, इसके पास 75, तो 125, तो यहाँ पे 125 और ये हो जाएगा आपके पास 75, ठीक है। चलो तो इस वैल्यू को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ। तो आपके पास ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू x प्लस 50 की है। अब इसमें रखते हैं, अगर 64 इंटू एक्स, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई थी 75। अब आप यहाँ पे ऑप्शन रख के चेक करो, ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, मैं आपको इक्वेशन वाला मेथड भी बता दूंगी वैसे। तो 64x, अगर आप 64 इंटू 75 करते हो, माइनस 50s इज इक्वल्स टू 3600, यहां से आपको s का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यहां से आपको s का वैल्यू मिलेगा। आप इसको देखो मल्टीप्लाई का मेथड बताती हूँ, 75 को आप 300/4 भी लिख सकते हो ना, इट्स ऑल्सो 75, 4 से 16 पे चला जाएगा, 4800 बचेगा, तो ये वैल्यू आएगी 4800 माइनस 50s इज इक्वल टू 3600, 3600 आप इधर 400 इससे, तो 1200 इज इक्वल टू 50s, ठीक है। तो यहां से आपकी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/5, और 120/5 मतलब 24। तो अगर s की वैल्यू 24 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 40। चेक करो 24 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 75, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू थी 125, 125 इंटू 40 आंसर इज 5000, एंड 24 इंटू 75 अगेन मल्टीप्लाई कैसे करो, 300/4 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1800।
सो ऑल द वैल्यूज आर सेटिस्फाइड, ठीक है, तो आपका आंसर 200 हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि दिस क्वेश्चन वाज इजी, एक्चुअली कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन वाज इजी, बट थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेशन साइड था. बट अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे तो इजी लगता है कि ऑप्शन से थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए हाउ टू चूज द स्मार्ट ऑप्शन. ओके, ठीक है, तो आप एक बार दोबारा से भी रिवाइंड करके इस पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो एंड फिर से उसी तरीके से उसे सॉल्व करने का ट्राई करना. ठीक है, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16 to 17, 18 और 19, मतलब 3 to 4 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस. सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.